ये पुलिस। आज जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, आज जो दिन है वो क्या है, हमारा नेशनल वोटर्स डे। ये कब होता है? 25 जनवरी को, जो हर साल हमारा होता है वोटर्स डे। इस दिन हम क्या करते हैं, वोटर्स डे की इम्पोर्टेंस के बारे में एक दूसरे को अवेयर करते हैं, अपने घर वालों को, हम स्टूडेंट्स को करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को करते हैं, अपने गांव को करते हैं, अपनी लोकेलिटी को करते हैं, कि वोट डालने का हमारा क्या महत्व है, क्यों वोट डालना है हमें। वोट डालना है इसलिए हमें अपनी सरकार चुननी है, हमें अपने सरपंच चुनने हैं, हमें लोकसभा का वोट डालना होता है, जो हमारी सरकारें यहाँ पे काम करती हैं, वो सरकार कौन चुनता है? हम चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। तो हमारा जी होना चाहिए अभिप्राय, मकसद कि हम उस पार्टी के उस व्यक्ति को वोट डालें जो हमारे लिए हमारे गांव का उद्धार करे, मतलब गांव की डेवलपमेंट करे, हमारे दुख सुख में हमारा साथ दे, हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो हमारे साथ जाए, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हमें जरूरत है उसकी तो वो मुश्किल समय में हमारी मदद करे। तो हमें वोट जो है बहुत ही सोच समझ के डालना है, ये नहीं कि घर वाले कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं इस पार्टी को दे दो तो उस पार्टी को दे दो, तो हमें खुद देखना है कि कौन हमारा साथ दे रहा है। तो उस दिन के लिए हम ये स्पीचेस करते हैं, सर ने आपको बहुत बताया वोट डालने का कि हमारा जो है राइट है, कौन सा व्यक्ति कितनी एज में आप लोग वोट डाल सकते हैं, कितनी एज में वोट डाल सकते हैं आप लोग? 18 इयर्स की एज में हम वोट डाल सकते हैं। तो सर ने ये भी बताया होगा आपको कि कब आपको अपना बनाना है वोटर कार्ड, जब आप 18 इयर्स के हो जाने वाले। सर आपने क्या बताया है कि 18 साल के पूरे हो जाएंगे तो फिर इनका वोटर कार्ड बनेगा, और जल्दी बना लेना चाहिए, हमें अपना राइट जो है, हमें एक वोट से सरकारें चेंज होती हैं, अगर किसी को एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो जीत जाता है। अगर एक व्यक्ति जीत गया, एक सीट ज्यादा होगी एक पार्टी के पास तो उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। आज का जो मकसद था हमारा कि वोट डालने के लिए, ये हमारा राइट है, और हमें घर घर जाके आपको भी अपने गांव में जाके अवेयर करना है कि जब भी हमारा वोट डालने का दिन आए तो हम उस दिन वोट डालने जरूर जाएं, अपने अधिकार का, अपना मनपसंद का नेता चुनने के लिए हमें वोट डालना है, ताकि हमारी सरकार का जो नुमाइंदा हमने चुना है वो अच्छे काम करे, हमें हर वक्त हमारी मदद करे जब हमें उसकी जरूरत है। और उसके बाद हमें क्या करना, आज एक रैली भी निकालेंगे ताकि गांव के लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाए। अभी वोटर फ्लैग लेनी है हमें, वोटर फ्लैग में आपको पता चलेगा कि हम क्या है, वोटर फ्लैग क्या है, क्यों ले रहे हैं। यही वोटर फ्लैग हमने ले ली कि हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर वोट डालेंगे, जब भी वोटर्स डे आएगा जिस दिन हमें वोट डालना है, जब भी कोई हमें नेता चुनना है, कोई सरपंच चुनना है, गांव लेवल पे चुनना है, जहाँ स्टेट लेवल पे चुनना है, जहाँ नेशनल लेवल पे चुनना है, तो आज हम किसी भी पार्टी का ये ना कहते हुए किसको वोट देना ये नहीं हमें कहना, हमें सिर्फ ये कहना है कि अपने मन पसंद के नेता को जो आपकी मदद करता है उसको वोट डालो। ओके, जय हिंद। स्कूल की स्टूडेंट रितिका आपके सामने आएगी और इंग्लिश में डिबेट यहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे। रितिका Respected principal ma'am, teachers and all my dear friends, I Ritika of class 12 from Golden High Secondary School, Kanha Sarkar. Today, 25th January, the National Voters Day. It is a great pleasure for us that we are celebrating it. National Voters Day is celebrated every year with a particular theme. It not only encourages the youth to participate in the electoral process, but also focuses that the right to vote is the basic right.
This is the 10th National Voters Day. 25th January is the foundation day of the Election Commission of India, which came into existence in 1950. This day was first celebrated in 2011 to encourage young voters to take part in the electoral process. No doubt, it is the day to celebrate the right to vote and also the democracy of India Election Commission. Main objective is to increase the enrollment of voters, especially the eligible ones. The earlier eligible age was 21 years, but in 1988 it was lowered to 18 years. When a person turns 18 years of age as a citizen of India, he or she can enroll himself as a voter. Now let's some slogan. Read after me. Our vote, our pride. Our vote, our pride. Our vote, our pride. Our vote, our pride. Pledge. Voters. और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि आज यानी 25 जनवरी हमारे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में आज नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है और इस देश के इस दिन की बहुत बड़ी अपनी कदर है, अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। इस डे को हम मनाया जाता है ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो लोग वोट डालने का जिनको हक है, अधिकार है, उन्हें इस दिन की इम्पोर्टेंस और ये दिन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आज कुछ डिबेट भी तैयार की हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है और इस देश में जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो लोग हमारे नुमाइंदे हैं, उन्हें हम वोट देकर सेलेक्ट करते हैं और हमारे चुने हुए लोग आगे सरकार में आते हैं, पूरा देश का वो निज़ाम चलाते हैं। वोट डालने का हक जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है वो यहाँ का वोटर बन जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर होता है और वही उसी को अधिकार है वोट डालने का। वो यहाँ का नागरिक होता है, यहाँ की सरकार को चुनता है और अपने हक, अपने वोट का सही इस्तेमाल करता है। और इसी दिन पे रोशनी डालने के लिए मैं सबसे पहले हमारे स्कूल की स्टूडेंट मनीषा, उसको स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो आपको इस दिन की इम्पोर्टेंस पे जो डिबेट तैयार की है उन्होंने वो आपके सामने रखे। मनीषा जी, नमस्कार। मैं मनीषा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खन्ना सरकार 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो आज मैं आपको वोटर्स डे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वोट डालना हमारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए मैं आज वोटर्स डे पर बताना चाहती हूँ कि वोटर्स डे की बड़ी अहमियत है। ये दिन हमें अपने अधिकार के बारे में बताता है। हमें वोट जरूर डालना चाहिए ताकि हम अपनी सरकार को चुन सके और हमारी चुनी हुई सरकार जो हमारा काम अच्छे से करे, ताकि हम अपनी सरकार को चुन सके और हमारे चुने हुए व्यक्ति जो सही तरीके से हमारे लोकतंत्र को चलाने में हमारी सहायता करें। वोट डालने से हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और हम अपने लिए एक सही कार्य करने वाली सरकार का चयन करते हैं। तो मैं आपके सामने एक नारा बोलूंगी, मैं बोलूंगी हमारा वोट और आप मेरे पीछे से बोलोगे हमारा अधिकार। हमारा वोट, हमारा अधिकार। हमारा वोट, हमारा अधिकार। हमारा वोट, हमारा अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको अभी तक हमारे इतने वो स्पीच होने के दो बच्चों की डिबेट हुई है, तो आपको पता चल गया कि आज कौन सा डे है, वोटर्स डे। क्या डे है आज? 25 जनवरी। तो आज वोटर्स डे है, तो वोट डालना जो है ये हमारा एक राइट है, हमारा अधिकार है। तो हमने अगर अपनी डेमोक्रेसी में अपनी सरकार चुननी है, हमें कभी कभी लगता है कि ये काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा या ऐसे होना चाहिए था, तो ये बातें हमारी जो है वो कैसे पहुंचेंगी? हमारे व्यक्ति जो है, जो हम अपने चुने हुए व्यक्ति उनको वोट डालेंगे और वो जाकर जब हमारे बारे में वहाँ पे बोलेंगे कि हमारे गांव में या हमारे शहर में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो
आपने उसी व्यक्ति को वोट डालना है जो आपको लगे कि ये व्यक्ति जो है ये आपके लिए सही कार्य करेंगे। आपकी जैसे जब हम आए थे तो जहाँ से सारी सड़क जो थी ये खन्ना सरकार की सारी टूटी हुई सड़क थी, तो आपके धीरे धीरे जो इलेक्शन सिस्टम में आपने बड़ा बढ़ चढ़ कर जहाँ के लोगों ने भाग लिया और ऐसे ऐसे व्यक्ति के देखो अभी तक आपकी सारी सड़क जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है। पानी की प्रॉब्लम थी वो भी आपकी मुझे लगता है काफ़ी हद तक पहले तो सारा दिन लोग जो आते थे ये हमारे में ही एक हैंडपम्प होता था वो इसी को इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है आप पानी की रेल वो पानी की पाइप जो है वो है वो भी गांव में पहुंच चुकी है। तो बहुत सा कार्य जो है वो होता है लेकिन ये कार्य आके जो आप चाहते हो हमारे गाँव में बिजली पानी ये सारा आपको खेतीबाड़ी करनी होती है तो सही काम जो होगा आपका तो आपकी सही सरकार कैसे बनेगी जब आपके ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं या जो भी इलेक्शंस होती हैं तो आप वोट डालने के लिए घरों से निकलोगे और जाकर वोट डालोगे तो वही आपका जो है वो सही अधिकार होगा और आपका सारे कार्य जो है वो आपके चुने हुए नुमाइंदे जो है वो कार्य करेंगे। आपने वोट डालना है अपने दिमाग से सोच समझ कर कि हम किस व्यक्ति को जो कैसे व्यक्ति को आप वोट डाल रहे हैं। तो अगर आप सही नहीं चुनते हो व्यक्ति तो उससे क्या होता है आपका वोट जो है ना वो बेकार जाता है। इसलिए किसी के बहकावे में आकर जो कुछ और बातें सुनकर हमें वोट नहीं डालना चाहिए। हमें सही व्यक्ति को चुनना चाहिए अपना सही दिमाग लगाकर सोच समझ कर और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमें उसमें धर्म जाति का भेदभाव भी नहीं देखना चाहिए पूरे से मतलब किसी को चीज़ को नहीं सोचना है। आपने यही देखना है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो आपके लिए सही कार्य कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम वो काम कर रहे होते हैं तभी वो इलेक्शंस में आते हैं। तो आपने उनके काम को देखते हुए आपने वोट डालना है। वोट डालना आपका सबसे बड़ा अधिकार है। थैंक यू। आज के दिन की इम्पोर्टेंस पे दो स्पीच दो डिबेट हमने सुनी और मैडम जी ने भी आपको बड़ी तफसील से बताया जिस दिन हमने देखें ये 25th डे ही क्यों हमने सेलिब्रेट किया लेकिन आज का दिन ही क्यों चुना गया 25 जनवरी को भी क्यों नेशनल वोटर डे मनाया जाता है इसको आपको याद होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए कि आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है और जो फाउंडेशन डे है उसी डेट को हम ने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया ठीक है और इसे हमें कितने साल हो गए सेलिब्रेट करते हुए आज जो है ये दसवां नेशनल वोटर डे है ना 2011 में सबसे पहले नेशनल वोटर डे मनाया गया 2011 हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बहुत पहले से ही इसकी फाउंडेशन हुई है लेकिन जो नेशनल वोटर डे है वो हम 2011 से मना रहे हैं ताकि वोटर जो है जो लोग वोट डालते हैं ठीक है उन्हें अपने अधिकार का पता चले उन्हें अपने राइट का पता चले उन्हें पता चले कि यार वो वोट है उनकी कितनी कदर है कितनी अहमियत है कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी लोग सरकार में जब तक हम वोट नहीं डालेंगे वो वहां पे नहीं बन सकता कोई मंत्री कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक हम उसे वोट ना दें। हमारे वोट से ही उसकी अपनी ताकत बनती है और हमारा चुना हुआ नुमाइंदा सरकार में आता है फिर वो आगे देश के काम करता है हमारे हक में बेहतरी के लिए देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो ये नेशनल वोटर डे है क्या नेशनल वोटर डे इसको आपको समझना चाहिए। और दूसरा आप वोटर नहीं है अभी तक आप वोटर नहीं। क्यों नहीं है वोटर आप कहेंगे वोटर है नहीं हमने कोई वोट नहीं डाला आप आने वाले वोटर हो क्या हो आने वाले समय में आप वोटर हो आने वाले वक्त में आप वोटर हो ठीक है आने वाले वक्त में आप वोटर हो क्यों क्योंकि अभी आपकी 18 साल की एज नहीं हुई है। जब आपकी 18 साल की एज हो जाएगी फिर आप का नाम जो है वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर होगा। अगर आप अपनी BLO के पास जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वहां देंगे जो डॉक्यूमेंट वहां के लिए चाहिए होते हैं वोटर लिस्ट के लिए एलिजिबल के लिए उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा फिर आप वोटर लिस्ट में यू विल बी द वोटर। और आपके नॉलेज के लिए एक और चीज बता दें कि जैसे आज वोटर बनने के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए कम से कम 18 साल की एज होना जरूरी है ना जरूरी है लेकिन
इससे पहले 1988 तक जो है वो वोटर की एज थी 21 साल। कितनी थी? 21 ईयर। जब तक बंदा 21 साल का ना हो उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होता था, उसको वोट का अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन 2021 के 1988 के बाद 1988 के बाद इस एज को कम करके 18 साल का दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 साल। पहले 21 साल का जब शख्स होता था उसका वोट बनता था, लेकिन अब जो है वो 18 साल का वोट बनता है। और ये चीज कब आई बदलाव? कब आया? कब बच्चे बदलाव आया? 1988 में बदलाव आया। ठीक है, 1988 से पहले यानी 1988 तक जो है वो 21 साल का शख्स का वोट बनता था। ये आपके नॉलेज के लिए, आपको जरूर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जब हम वोट डालते हैं, अभी इसके बाद यानी शपथ भी होगी है ना, प्लेज होगी, तो प्लेज में आपको मैं पहले से बता दूंगा प्लेज में है क्या बेसिकली। उसमें आपने आपको ये चीज़ आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान के लिए, आपको आपकी समझ के लिए ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि भाई जब हमें वोट डालना है, जब हमें वोट डालना है, ये तो एक तो हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। दूसरा ये कि जब हम वोट डालें तो हम सही जो सही शख्स है उसको वोट डालें, जो सही शख्स को हमने चुनना है, सही अपने कैंडिडेट को चुनना है। ताकि जो लोग, हमने ये नहीं देखना है कि बहुत सारे लोग वोट डालते हुए देखते हैं कि यार ये मेरी कास्ट का है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे मोहल्ले का है, ये मेरा रिलेटिव है, मैं इसको वोट दूंगा। नहीं, उसके उस बेस पे वोट नहीं डालना, उस बेस पे वोट नहीं डालना। बल्कि जितने नुमाइंदे जो लोग वोटिंग के लिए खड़े होते हैं, इसके लिए वोट लेने के लिए, ठीक है, उसमें हो सकता है 2, 4, 5 हों, लेकिन उनमें से चुना कोई एक ही जाएगा। हमने ये देखना है कि जितने यहाँ पे नुमाइंदे हैं उन सब में हमारी अच्छी नुमाइंदगी कौन करेगा, कौन इसके काबिल है, कौन इसके काबिल है, कौन हमारा हमारे हक के लिए सही लड़ेगा, कौन देश की बेहतरी के लिए काम करेगा, उसको वोट देना है। ठीक है, ये चीज़ें भी इसके लिए ज़रूरी हैं और इसी पे भी बाल शब्द मिली जाएगी। और जो कुछ कहा आप उसे याद रखें और आगे तक भी पहुँचाएँ, अपने घरों में पहुँचाएँ। ठीक है, आपके फैमिली में, आपके दाएं बाएं जिनकी एज 18 साल की हो चुकी है, अगर उनका अभी तक वोट नहीं बना है तो उनको आप कहें कि आपने BLO से कंसर्न करें, आपके एरिया के जो BLO उसके पास जाएं और जो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट दे दें, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर हो जाएगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं मनीषा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खन्ना छिड़काल 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है आज वोटर्स डे है, तो मैं आज आपको वोटर्स डे पर कुछ बताना चाहती हूँ। भारत में राष्ट्रीय वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक भाव चुनाव की भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति एक वोट ही देश के भावी भविष्य का नींव रखते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को वोट राष्ट्र के निर्माण भागीदारी बनाता है, तो हमें वोट जरूर डालना चाहिए क्योंकि वोट डालना हमारा एक अधिकार है। धन्यवाद। Our right.
मैं चाची को अपना फोन ले लेना तू। हमें वोट डालने जाना है, देश का विकास कराना है। हमें वोट डालने जाना है, देश का विकास। हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा वोट, हमारा अधिकार। अवर वोट, अवर राइट। हां तो सुनो, हां सुनो, देखो देखो पहले। शाबाश। जोर से बोलो, हमें वोट डालने जाना है, देश का विकास कराना है। हमें वोट डालने जाना है, देश का विकास कराना है। हमें वोट डालने जाना है, देश का विकास कराना है।